हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल OMS। आई एम जितेंद्र। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाए और या तो फिर गुम हो जाए तो आप अपना फ़ोन किस तरीके से हासिल कर सकते हो, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आईफोन छोड़ के एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन हो, जो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI कोई भी फ़ोन हो, आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, फ़ोन स्विच ऑफ हो फिर भी चोरी हुआ फ़ोन किस तरीके से हासिल कर सकते हो, या तो फिर चोर ने फ़ोन फ्लाइट मोड पे रखा हो, स्विच ऑफ किया हो, तो भी आप अपना फ़ोन लोकेशन थ्रू आराम से फाइंड कर सकते हो। बस पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उसे सेटिंग में जाके सेट करना पड़ता है, और उसके बाद आपका फ़ोन आराम से चोरी हुआ फ़ोन मिल सकता है। 100% आपने प्रोसीजर कर लिया दोस्तों, तो आपका फ़ोन चोरी हुआ फ़ोन मिल जाएगा। तो चलिए आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से चोरी हुआ फ़ोन फाइंड कर सकते हो। उससे पहले फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए OMS चैनल को, जिससे आपको नए नए वीडियोस आसानी से मिल सके, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, चोरी हुआ फोन फाइंड किस तरीके से होता है, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, प्ले स्टोर से हैमर करके एक एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है आपको। हैमर करके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आगे आगे देखते रहिए कि किस तरीके से सेटिंग करने के बाद आपका चोरी हुआ फोन फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम हैमर है, बट प्ले स्टोर में इसका दूसरा नाम है ट्रैक इट इवन इफ इट इज ऑफ। आपका फोन स्विच ऑफ हो, फ्लाइट मोड पे हो, फिर भी आपका लोकेशन फाइंड कर सकते हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो फिर भी आपका फ़ोन लोकेशन थ्रू फाइंड हो सकता है चोरी हो गया, तो सभी सेटिंग को अलाउ करना पड़ेगा, जिससे आपका फ़ोन लोकेशन से आप फाइंड कर सकते हो चोरी होने के बाद भी। आप देखो दोस्तों, फ़ोन शटडाउन हो, स्विच ऑफ हो, फिर भी आप अपना लोकेशन फाइंड कर सकते हो। उसके बाद फ़ोन एयरप्लेन मोड पर भी हो, अगर चोर ने आपका फ़ोन एयरप्लेन मोड में भी किया हो, तो भी आपका फ़ोन फ्लाइट मोड पे नहीं होगा, लोकेशन दिखते रहेगा। सभी एक्सेस को आप अलाउ कीजिए, जैसे टैग पिक्चर, रिकॉर्ड वीडियोस, जिससे रिकॉर्ड कैमरा, जिससे आपका जो चोर है सीधा उसका फ़ोटो कैप्चर होके आपकी मेल आईडी पे चोर की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद सर, पैनिक बटन है, जो आपका लोकेशन, पिक्चर एंड ऑडियोस, पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट चोर का देख सकते हो, चोर की पूरी डिटेल्स मिल सकती है इस एप्लीकेशन के थ्रू। अगर चोरी हो गया तो आप स्लोली स्लोली ध्यान से इसको समझिए किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है एप्लीकेशन। सभी जो भी फंक्शंस हैं वो अलाउ कीजिए, एयरप्लॉट मोड हो, स्विच ऑफ मोड हो। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप इस एप्लीकेशन में एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, 3 से 4 कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, जिससे आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो सीधा सीधा फ़ोन कॉन्टैक्ट पे आएगा। आप ईमेल आईडी रजिस्टर करके भी आपका जो चोर का फ़ोटो से या डिटेल से आपका लोकेशन से ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन होगी उस पर भी आपका लोकेशन आ सकता है। तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए आपके फ़ोन में फ्रेंड्स। मोबाइल लॉस भी हो जाए तो आपके कॉन्टैक्ट पे डिटेल्स आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, या तो आप लोकेशन थ्रू फाइंड कर सकते हो फ़ोन को। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये स्विच ऑफ भी नहीं करता है मोबाइल, और फ्लाइट मोड पे भी फेक फ्लाइट मोड ऑफ करता है। तो आप समझिए एप्लीकेशन को, इंस्टॉल कीजिए और आपका फ़ोन सेफ रहेगा हमेशा के लिए। आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन इस तरीके से वर्क होती है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन सारे फंक्शंस अलाउ करने के बाद आप खुद टेस्ट कर सकते हो कि किस तरीके से आपका फ़ोन सेफ मोड पे होगा चोरी होने के बाद। सो दोस्तों, आई होप आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा होगा किस तरीके से आपका चोरी हुआ फ़ोन फाइंड कर सकते हो हैमर एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया फिर भी आप कमेंट्स कीजिए, आपको पर्सनली कॉल करके डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हैमर एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होने के बाद यूज़ होता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसी तरीके से अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, जैसे रिपेयरिंग वीडियोस हो गए,
प्रोडक्टिविटी डिजिटल प्रोडक्ट के वीडियो से, वॉच है, ईयरबड्स है और कोई भी वीडियो हो, नेक बैंड है, ईयरफोन नेक बैंड, किसी भी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए प्लीज जितेंद्र मोबाइल स्टोर OMS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद।